दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हमारे मेहमान में एक बार फिर डॉक्टर संजय अग्रवाल हाजिर हैं। मैं स्वागत करता हूं संजय जी आपका। नमस्कार संजय जी। आपका एक एपिसोड हमारे दर्शक पहले देख चुके हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं के हिसाब से दर्शक क्या जानना चाहते हैं ये हमने जाना, तो आज हम जो दर्शक जानना चाहते हैं उस विषय से आपसे बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं शुरू करता हूँ। दिशाएं वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण है जी। तो कृपया दिशाओं के बारे में और दिशाओं के महत्व के बारे में बताएं जी। सारा हमारा वास्तु का आधार जो हमारी गणना है वो दिशाओं के ऊपर जी बेस्ड है। मुख्य रूप से हम लोग 10 दिशाओं को मान्यता देते हैं। ऐसे उप दिशाएं बहुत है, बट जनरल लैंग्वेज में हम लोग 10 दिशाओं को मुख्य मानते हैं। प्रथम मानते हैं हम पूरब की दिशा को, जहाँ से सूर्योदय होता है। तो फर्स्ट आधार वह है कि जिस तरफ से सूरज उदय हो रहा है वो पूरब है। उसकी विपरीत जो दिशा है जहाँ सूर्य अस्त होता है जी, उसे पश्चिम कहते हैं। ये एक जनरल नॉलेज जो सब जानते हैं इतनी विशेष। उत्तर दिशा फिर दक्षिण दिशा। भारत के हिसाब से उत्तर दिशा हो गई हिमालय, दक्षिण दिशा हो गई हिंद महासागर। ये होगी चार मुख्य दिशाएं। अब इसकी अंतर दशाएं जो है जी, उत्तर और पूर्व जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं ईशान पूर्व या उत्तर पूर्व, इंग्लिश में बोलते नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से दक्षिण और पूर्व का जो कोना है जी, उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, हिंदी में बोलेंगे अग्निकोण। उसके बाद आइए आप दक्षिण और पश्चिम का कोना, इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट का कोना, या उसे आप बोलेंगे नैऋत्य कोण। अब आइए उत्तर की तरफ, उत्तर और पश्चिम का कोना, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में बोलेंगे वायु का स्थान। ये होगी आठ दिशाएं जो बाहर की तरफ है। दो दिशाएं बीच में हैं, आकाश और पताल। ये सारे मिला के 10 दिशाएं हो गई। इसमें मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूर्व की दिशा, क्योंकि सूरज वहां से उठता है, सबसे प्रथम प्रकाश जो है वहीं से मिलता है। पूरी गणना जो है वास्तु की ये इसी 10 दिशाओं के ऊपर केंद्रित है। यानी अगर हम बोलते हैं कि अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का अग्निकोण से संबंध सीधा रसोई से है जी। या अगर हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण भी बोलते हैं, कई लोग इसको देवस्थान भी बोलते हैं। देवस्थान का सीधा संपर्क हुआ मंदिर से। इस तरीके से पूरा शास्त्र इन्हीं 10 दिशाओं के ऊपर बेस्ड है। संजय जी, पंच तत्व, क्योंकि कहते हैं शरीर भी पंच तत्व से बना है, तो क्या पंच तत्व का भी विशेष कोई महत्व है आपके वास्तुशास्त्र में जी? मैंने पिछली कड़ी में एक बात कही थी कि पूरा शास्त्र प्रकृति के साथ में तालमेल के ऊपर बेस्ड है। सारा आधार पृथ्वी और प्रकृति, पूरी पृथ्वी या पूरी प्रकृति हमारे पंच तत्व से ही बनी हुई है जी। हमारा मानव शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है। उसी तरह वास्तु का भी मुख्य जो आधार है वो इस 10 दिशाओं के अलावा पंच तत्व से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि जल, अग्नि, वायु, धरती, अंबर, पांच तत्व हमारे मुख्य तत्व है। साउथ ईस्ट जो अग्निकोण बोलते हैं वो अग्नि तत्व को प्रतिनिधि करता है। ईशान कोण जो नॉर्थ ईस्ट है, जो देवस्थान बोल रहे हैं, वो जल को प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है जिसको हम वायु स्थान बोलते हैं, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण पश्चिम का जो कोना है जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं या साउथ वेस्ट कहते हैं, वो धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ब्रह्म स्थान है या जो आंगन या चौक है, बीच का जो स्थान है, वो अंबर को प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से पांचों तत्व एक वास्तु में भी आते हैं। अच्छा संजय जी,
आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि असली चीज है भूमि का चयन। जी ये बात हुई थी। तो भूमि का चयन तो समझ में आया, लेकिन भूमि चयन कैसे करें? जी दर्शकों को बताइए कृपया। इसका थोड़ा सा मूलभूत मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ। प्रथम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जमीन चौरस या आयताकार, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल, हाँ। किसी तरह की कोना निकला हुआ या कोई गोल है, आयताकार है, बेढंगी जमीन है, षटकोण है, इसका कोई कोना का पता नहीं है, पांच कोण है, छह कोण है, आठ कोण है, कोई कोना इधर से निकला हुआ है, कोई कोना उधर से भागा हुआ है, उसको हमको शुद्ध करना है। अगर चौरस या रेक्टेंगुलर जमीन मिलती है सबसे बढ़िया है जी। अगर कोई कोना इधर उधर थोड़ा भागा हुआ है तो पहले वो देखना है कि वो कोना काट के हम उसको शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जहाँ तक हो सके स्क्वायर या रेक्टेंगल जमीन लेनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब हुआ, से एग्जाम्पल हम लोग पकड़ते हैं, 50 फुट बाई 50 फुट की जमीन है, इसको स्क्वायर जमीन बोलते हैं। अब रेक्टेंगल जमीन किसको बोलेंगे? 50 फुट बाई 60 फुट 70 फुट, जो एक साइड से थोड़ी बड़ी है, बट उसका भी एक मापदंड है हम लोग कितना लंबा रेक्टेंगल ले सकते हैं। जनरली हम लोग पकड़ते हैं कि अगर 100 फुट जमीन चौड़ी है तो अधिकतम 200 फुट तक लंबी होनी चाहिए, यानी डबल तक हम लोग उसको सही मानते हैं। जितनी लंबी जमीन होती चली जाएगी उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो है, या जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो कम होते चला जाता है, तो उससे उसमें वास्तु का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए एक सीमा बांधी गई है कि 1:2 यानी डबल तक हम लोग जमीन सोच सकते हैं। मतलब चौड़ाई यदि 100 फुट है तो 200 फुट तक 200 फुट तक हम लोग लंबाई चल जाए। इसके अलावा जो बात इसमें ध्यान रखने की है जी, कि अगर हम लोग कोई निवास स्थान के लिए या कोई दुकान के लिए या कोई फैक्ट्री के लिए जमीन दे रहे हैं तो सिर्फ जमीन का शेप देखने से नहीं, उसके आसपास का माहौल भी देखना जरूरी है। जैसे कि आसपास में पहाड़ है कि नहीं है, नदी तालाब है कि नहीं है, कोई मंदिर है कि नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पहाड़ है अपने कोई जमीन के आसपास में तो वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ हो। दक्षिण और पश्चिम को हम लोग ऊंचा और भारी माना हुआ शुभ मानते हैं। दक्षिण और पश्चिम। और उसी तरह उत्तर या पूर्व में अगर अपने कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वो अपना शुभ मानते हैं। उत्तर और पूर्व का भाव, जल का भाव मानते हैं। वो अगर जमीन है तो बहुत अच्छी होती है। इसका बहुत पुराना एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेगा कि अपने भारत में जितने भी पुराने तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो यहाँ पर कामाख्या देवी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, हर जगह का भूमि का चयन इस तरीके से हुआ है कि वो प्राकृतिक रूप से दक्षिण और पश्चिम में पहाड़ है, उत्तर और पूर्व में नदी है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि वो एक पुरानी ऋषि मुनियों ने उसी तरह की जमीन का अपने आप चयन किया कि वहां जाके वो मंदिर बन सके और वो पूर्ण फल दे सके। इसीलिए आज तक जीवित है, इसलिए आज तक वो हजारों साल से आज तक जीवित। इसमें जो मैंने एक बात और कही कि मंदिर का क्या प्रभाव होता है जी। नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि घर या अपने जो कर्म क्षेत्र है उसके आसपास में मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर की छाया जहाँ पड़ती है वहाँ का ग्रोथ रुक जाता है। ये अपने एक वास्तुशास्त्र में आया हुआ कहानी है, ऐसे सिद्धांत है। अगर मंदिर या कोई उस तरह की कोई चीज हो, कम से कम अपनी जमीन मंदिर की जो ऊंचाई है उससे 2 गुना दूरी पर होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर मंदिर की ऊंचाई 40 फुट है, अपनी भूमि कम से कम 80 फुट दूरी होनी चाहिए। ये सिद्धांत हमारे पुराने मंदिरों में देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर भारत की बात में छोड़ देता हूँ, दक्षिण भारत की बात करता हूँ, तो मुख्य मंदिर बहुत छोटा गर्भगृह के हिसाब से बनाया जाता था। उसके चारों तरफ बहुत ऊंची तरीके से वाल देकर उसको घेरा गया है, ताकि मुख्य मंदिर के आसपास में और कोई बासावास नहीं। No. उसको बचाने के लिए पूरी जमीन को बहुत बड़ी एरिया में घेर के उसको बाउंड्री वाल घेर के अलग से घेरा गया, उसके बाद फिर घर बनते। मंदिर चाहे छोटा हो बट उसके आसपास के एरिया बहुत खाली रहते थे, इसका मूल कारण भी वही।
अच्छा संजय जी, ये तो भूमि चयन की भी बात हो गई, अब यदि घर या निवास स्थान बनाना हो, घर के अंदर आ जाते हैं, तो कौन सी जगह कहाँ पर हो, किस दिशा में हो, इस विषय पर हमारे दर्शकों को बताएं। जी ऐसा दर्शकों की बहुत सारे इस तरह की प्रश्न आए थे। अच्छा, हमें और थोड़ी सी विस्तार बताया जाए कि घर के भीतर कहाँ पर क्या हो। जी मुख्य रूप से ये देखना है कि हमारे बिल्डिंग जो है या जो मेन बिल्डिंग का ब्लॉक है वो दक्षिण पश्चिम भाग की तरफ बेसी बना हुआ हो, उत्तर और पूर्व की तरफ थोड़ा खाली भाग हो। रसोई का जो स्थान है, प्रथम स्थान है अग्निकोण, जैसे अग्नि से संबंधित है, यानी साउथ ईस्ट, कई जगह अग्निकोण में संभव नहीं हो पाता है, तब उसको हम वायु स्थान में ले जाते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी फर्स्ट चॉइस जो हम प्रथम किचन का बोलेंगे साउथ ईस्ट, सेकेंड हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों किचन चलते हैं। पूजा का स्थान फिर नॉर्थ ईस्ट यानी देवस्थान, जी वहाँ अपना पूजा का स्थान बनेगा। जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह बनते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में ही टॉयलेट्स बनाएं, हमेशा उस दोनों दिशा में कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट का जो एक्सट्रीम कोना है, वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनता है, उतना छोड़ के हम दक्षिण और पश्चिम में कहीं भी टॉयलेट्स बना सकते हैं। जो मुख्य कर्ता का कमरा होता है जिसको मास्टर बेडरूम बोलते हैं, वो हमारा स्थान फिक्स है, घर के मालिक का, कर्ता जिसको बोलेंगे, हेड ऑफ द फैमिली, उसका स्थान फिक्स है साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में ही मास्टर बेडरूम बनेगा। उसके बाद आप फिर पश्चिम में, दक्षिण में और एक्स्ट्रा रूम्स फैमिली के बना सकते हैं। अब इसके बाद आती है सीढ़ी की, सीढ़ी किधर किधर बन सकती है। सबसे प्रथम जो चॉइस रहती है हमारी सीढ़ी की, वो रहती है वायु स्थान, वायु स्थान यानी नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद फिर उसको हम पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व जो अग्निकोण है वहां तक सीढ़ी को हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद आती है सेफ्टी टंकी, बात जो टॉयलेट की टंकी बनती है, क्योंकि हमारे सिलीगुड़ी में सेंट्रल सीवेज सिस्टम नहीं है, हमें इंडिविजुअल सेफ्टी टैंक बनानी पड़ती है। उसका सबसे बढ़िया स्थान है नॉर्थ वेस्ट, वायु का स्थान। कोई कारण से वहाँ पर जगह नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब टुवर्ड्स साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण की तरफ ले सकते हैं, बट प्रथम हमेशा नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बाद आएगी वाटर सोर्स, पानी, कुआं हो, बोरिंग हो, या अपने सप्लाई का जो कॉरपोरेशन का पानी आता हो। अब हम पंचतत्व वाली बात पे जाते हैं कि पंचतत्व में बोलते हैं कि जल का स्थान नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण देवस्थान। सीधा बात है कि हम कुआं, बोरिंग या जो भी रिजर्वर बनाएंगे वो नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे। बहुत सही। अब इसमें बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि छत की जो टंकी होती है वो भी पानी है, किंतु उसको कई जगह लोग इस पानी के स्रोत से जोड़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ जहाँ पानी का स्रोत, That is underground, मतलब नीचे से जो पानी हम ले रहे हैं, चाहे वो कुआं के रूप में हो, बोरिंग के रूप में हो या रिजर्वर के रूप में। छत की टंकी हमेशा साउथ वेस्ट यानी मास्टर रूम के ऊपर, ताकि उस कोने को वजनदार और भारी किया जा सके, ऊंचा किया जा सके। ईशान कोण डाउन, नैऋत्य कोण ऊंचा या भारी, ये मूलभूत सिद्धांत है जो हमें घर में ध्यान रखना। इसके अलावा और थोड़ा सा भीतर हम लोग घर के भीतर अगर जाएं, रसोई का मुंह का जो हमारा कुकिंग का जो फेस होता है वो नॉर्मली हम लोग पूरब मुंह की तरफ रखते हैं, यानी सूरज की तरफ देखते हुए रसोई बनाते हैं, चाहे वो अग्निकोण की रसोई हो चाहे वायुकोण की रसोई। इसके अलावा जब और बात करेंगे तो कमोड की बात आती है, हमारे टॉयलेट के समय किस तरह वो होना चाहिए, इसका एक छोटा सा वर्णन रामायण में आता है। लक्ष्मण जी राम को पूछते हैं कि मुझे मूत्र विसर्जन करना है, रामायण में लिखा है, लघु शंका है, मुझे किस तरह मुंह करके बैठना चाहिए। तब राम जी लक्ष्मण जी को बताते हैं कि दिन की तरफ लंका की तरफ मुंह करके बैठो, रात को हिमालय की तरफ मुंह करके, यानी कि उत्तर या दक्षिण में ही मुंह होना चाहिए, पूर्व या पश्चिम की तरफ हम लोग कॉम्बो
नहीं लगाते, सूरज की तरफ नहीं, क्योंकि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ, दोनों तरफ सूरज का उदय और अस्त होता है। अब आते हैं हम लोग, खाट का सिराना किधर होना चाहिए जी? इसमें अब पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम करती है। हमारा शरीर में सबसे बेसी रक्त या का कंसंट्रेशन दिमाग की तरफ, रक्त में भी आयरन होता है जी। अगर हम उत्तर मुख माथा करके सोते हैं तो हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को टकरा रहा है। इसलिए कहा गया है कि दक्षिण का माथा हमेशा अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। इसको पुराने तरीके से कैसे समझाया लोगों ने, उन्होंने कहा कि जब आदमी मर जाता है तब उसका माथा उत्तर की तरफ रखते हैं। ये हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते आ रहे हैं, एक समझाने का तरीका है। हम इसको इसे मानते हैं कि भी दक्षिण का माथा सबसे अच्छा सोने की तरफ, या पूरब की तरफ माथा कर सकते हैं। पूरब की तरफ माथा करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम उठ रहे हैं तो हमारा पांव पश्चिम की तरफ, अगर कोई कारण से हम पश्चिम की तरफ माथा करके सो रहे हैं तो उठते ही हमारा पांव सूरज की तरफ पड़ता है, जो उतना शुभ नहीं मानता जी। सिराना या तो दक्षिण का या पूरब का। संजय जी, यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आया जी। पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो क्या इन गोलार्धों से भी फर्क पड़ेगा क्या? दक्षिण गोलार्ध वाले जो उत्तर गोलार्ध है उससे अपोजिट रखेंगे सिर्फ? जी नहीं, पृथ्वी का जो धुरी केंद्र है वो उत्तर और दक्षिण पूरी पृथ्वी का एक ही है। अच्छा, तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर की जो बात कर रहे हैं सिद्धांत एक ही रहेगा। अच्छा, आज में अगर मैं यही वास्तुशास्त्र अमेरिका जाकर अप्लाई करता हूँ तो वही बात है, वही बात मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाके करता हूँ तो वही बात है, क्योंकि पृथ्वी तो अल्टीमेटली एक ही है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए रशिया में जाते हैं कोई बात है और इधर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, बात है। मतलब वास्तु के सिद्धांत कहीं कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि लोकल एटमॉस्फेयर या लोकल कल्चर के हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, बट मूल सिद्धांत वही है। इन सब बातों के अलावा आपके दिमाग में कोई और हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बात आज ये दिमाग में आ रही हो आपके, आप कुछ बताना चाहें तो बताएं। जैसे कि आप कुछ कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर और अच्छी तरीके से दूंगा। मैं मेरे दर्शकों की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आप मैं पूछना चाहूँगा कि आज एक ये फैशन हो गया है कि घर घर में वास्तुशास्त्री, घर घर में ज्योतिषी पैदा हो गए जी, लेकिन कोई खड़ा होकर के बोल देता है, कोई मान लेता है, फिर रिजल्ट नहीं मिलता, फिर बातें बनती हैं, तो वास्तुशास्त्र की एक्यूरेसी, हमने सुना है कि वास्तु चक्र उस भूमि पर बना करके ही निकाली जा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, आप उसको भूमि में बनाए, कागज पे बनाए, वो एक ही बात होगी, उसका आपने दिमाग में बनाए। अच्छा, मैं भूमि का और कागज का काम नहीं करता, मेरा वास्तु चक्र मैं दिमाग में ही बना लेता हूँ, उनको बता देता हूँ आपको ये संशोधन करना है। नहीं, जैसे जमीन नापने में ये कमरे में नॉर्थ कहाँ तक है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ तक है, ये सब नहीं है नापना कोई। अच्छा, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप उसको कागज में बना के कर रहे हो या अपने दिमाग में फट से कैलकुलेशन करके आप उसको बता रहे हो। बहुत सही, जरूरी नहीं है कि आपको कागज में ही बनाना जरूरी, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ज्यादा एक्यूरेसी अनुभव के साथ, अनुभव से ही काम होगा। अनुभव जितना काम करेंगे आप, जितना फील्ड में घूमेंगे उतना ही आपको अनुभव होगा। फिर एक बात और आ जाती है, हर कोई ये कह देता है क्या आपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बनाया है, फिर बोलते हैं हाँ वास्तुशास्त्र के बनाया है, फिर वो बोलते हैं किससे बनवाया, बोलो एक्स से बनवाया, अरे नहीं बोले वाई बढ़िया था, वाई बढ़िया जी। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये रहेगा, ये रहेगा, माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में अनुभव किसका बेसी है वो काम है, एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है। जैसे डॉक्टर में है, कोई एक डॉक्टर महीना में 10 ऑपरेशन करता है, कोई एक डॉक्टर डेली 10 ऑपरेशन करता है, तो जो डेली 10 ऑपरेशन कर रहा है उसका हाथ और अच्छा साफ मिलेगा,
जो महीने में 10 कर रहा है उसके मुकाबले, ये प्रोफेशनल की एक्सपीरियंस की बात है। अच्छा संजय जी, मैंने किसी एक्स को खराब या किसी वाई को खराब नहीं बोला। नहीं नहीं, खराब की कोई बात ही नहीं है, ये क्लियर हुआ कि अपना अपना एक कैलकुलेशन है बस। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में आई, जैसे पहाड़ है और राजस्थान है, राजस्थान में टीले हैं, पहाड़ तो पहाड़ है, तो वहाँ जमीनों के ढलान होते हैं जी। तो कोई ढालू जमीन हो, स्वाभाविक है ढालू ही होगी, तो ढलान किस दिशा से किस दिशा की तरफ अच्छा होता है और किस दिशा से किस दिशा की तरफ खराब होता है। जैसे मैंने आपको बताया भूमि पूजन के, भूमि चयन के विषय में, दक्षिण और पश्चिम का पहाड़ अच्छा मानते हैं, उत्तर और पूर्व का खराब, नदी अच्छा मानते हैं, यानी कि दक्षिण और पश्चिम की ऊंचाई होनी चाहिए, उत्तर और पूर्व की तरफ ढालू होनी चाहिए। वाह, सीधी सी बात है, यदि जमीन ढालू है तो उसका ढलान उत्तर या पूर्व की तरफ ही अच्छा माना जाता है। लिए भी क्योंकि ये कि सही बात है, सब जगह तो समतल जमीन, सब जगह समतल नहीं होगा। जैसे अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास एक ड्राइंग आई थी गैंगटॉक से, कोई एक मेरे को जाना था साइट विजिट के जी, किंतु ड्राइंग की हालत देखते हुए मेरे को लगा कि मेरा गया हुआ व्यर्थ है, क्योंकि उसकी जो बनावट थी, उत्तर में मकान ऊंचा था, दक्षिण में दबा था, तो मकान तो मैं पूरा तोड़ नहीं सकता, मैं जाके करूँगा। मैंने मेरे क्लाइंट को यही बोला, इस कंडीशन में मेरा गया हुआ बेकार है, आप दूसरी जगह देख लीजिए, क्योंकि उत्तर ऊंचा दक्षिण डाउन, मैं मूल रूप से गलत रूप से गलत है, मैं उसको ओके नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता, तो हम बोलते हैं इसका प्रॉपर्टी दूसरा देख लीजिए या और कोई जगह देख लीजिए। अच्छा संजय जी, एक अति बुद्धिमान मानिए, चाहे ऑर्थोडॉक्स मानिए, चाहे परंपरा मानिए, कुछ लोग जातियों के हिसाब से भी जमीन का विश्लेषण करते हैं कि ये ब्राह्मण के लिए अच्छी है, ये बलिये के लिए अच्छी है, ये शूद्र के लिए अच्छी है, ये क्षत्रिय के लिए अच्छी है, इस बात में कोई सार है? मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव में तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। जमीन का मूल, जो मूल सिद्धांत है, जमीन स्क्वायर हो, नदी नाला का सही दिशा में हो, पहाड़ सही दिशा में हो, उतना है तो वही जमीन हर आदमी के लिए एक है, उसमें कोई जाति का या कोई कर्म से कोई संबंध मेरे को नहीं लगता, मेरे अनुभव यही बोलता है। क्योंकि कई जगह बातें चलती है तो सुनते हैं जी, लेकिन उनके पास में भी कोई ऑथेंटिक उत्तर तो नहीं होता है, इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आज तक मैंने कुछ नहीं देखा है कि भी कोई किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा। तो संजय जी, आज ईश्वर की दया से हम लोगों को फिर एक बार आपका सानिध्य मिला, मैं एसके लाइव और दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों को आपको फिर एक निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रियाएं एसके लाइव तक जरूर भिजवाएं, आपकी जो और भी कोई जिज्ञासा हो तो भिजवाएं, हम संजय जी तक भिजवाएंगे और जहां तक संभव होगा आपको उत्तर मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।